लालू जी के बारे में कहना यही चाहते हैं कि उनके बारे में जितना मैं कहूँगा, कई जिंदगी कहता रहूँगा, फिर भी कीमत हमारी मेहनत की वसूल हो गई, मांगी थी जो दुआएं वो क्या होता 2014 में तो मरे के महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव भगवान, विनय बिहारी, बल्कि बिहार के वो लोग जिन्हें कभी जबान नहीं हुआ करती थी, जिनकी कभी आवाज़ नहीं निकला करती थी, लालू प्रसाद यादव वो नेता जिसने 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ क्या ली, हर उस बेजुबान में जबान आ गई जो कभी भीड़ में सबसे पीछे की सीट पर या कहें कि पंक्तियों में सबसे पीछे खड़ा हुआ करता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की एक समय में पहचान बन चुके लालू प्रसाद यादव, जिन्हें कई तरह से लोग जानते हैं, एक अच्छे राजनीतिक के रूप में तो वहीं एक हास्य राजनीतिक के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं लालू प्रसाद यादव। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के कई जबरा फैन आपको नज़र आएंगे। उसी लिस्ट में एक नाम है विनय बिहारी जी का, और आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के फैन विनय बिहारी ने किस तरह से अपने इस बाइक पे लगा रखा है राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, और लालू प्रसाद यादव की जवानी की वो तस्वीरें जिसमें वो अपने बच्चों और पत्नी राबड़ी देवी के साथ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर भी इन्होंने लगा रखी है जब लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति करके 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे छपरा से। और हम विनय बिहारी से और भी बात करेंगे। पहले विनय बिहारी जी, वो तस्वीर और घुमाइए और दिखाइए कि आपने जो और भी लगा रखी है तस्वीरें वो क्या हैं। आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के ये दोनों लाल, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, सब नज़र आ रही हैं। राज लक्ष्मी जो सबसे छोटी बेटी हैं, जिनका नाम राज लक्ष्मी इसलिए रखा गया था क्योंकि जब वो गर्भ में थी तभी लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और जब उनकी पैदाइश हुई तब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे, इसलिए उनका नाम राज लक्ष्मी रखा गया। और विनय बिहारी से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के काफ़ी जबरा फैन रहे हैं। विनय जी, कुछ लालू जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लालू जी के बारे में कहना यही चाहते हैं कि उनके बारे में जितना मैं कहूँगा, कई जिंदगी कहता रहूँगा, फिर भी कम है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी में बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारे दमखम हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ। मैं उनके लिए एक ताज़ा कविता लिखा है, मांगी थी जो दुआएं वह कबूल हो गई, मेरे ज़िंदगी के सारे कांटे मानी लालू प्रसाद यादव जी कारण बदल कर फूल हो गई। हम सोचा करते थे अनजाने में, अज्ञानी में, कि मेहनत मुफ्त में गया, इतना झंडा ढोते रहे इसे करते हैं, हम सोचा करते थे कि मेहनत मुफ्त में गया, पर इतना बड़ा शुभचिंतक तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ऐसे हमको शुभचिंतक घर में आके मिला, कीमत हमारी मेहनत की वसूल हो गई, मांगी थी जो दुआएं वो कबूल हो गई। अब के बहार में दिल मेरा खिल गए, अब के बहार में दिल मेरा खिल गए, जिसकी थी आरजू वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हमको है मिले, जन्नत अब मेरे लिए फजूल हो गई, स्वर्ग भी अब मेरे लिए फजूल हो गई, मांगी थी जो दुआएं वह कबूल हो गई। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में हम इतना में बेशकलाल और भावुक क्यों रहते हैं, यह बता दें 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के कारण से हमारी जान बची थी, हमारी डायरिया हो गया था और हम कोर्जी में भर्ती हो गए थे, डॉक्टर जवाब दे दिया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वालों ने कहा कि जवाब आपने दिया, हम जवाब ले हुएंगे नहीं, विनय जी हमारे साथ चलेंगे। मुनका सिंह यादव थे, उन्होंने हमको कोर्जी से बचा के लाए। मैंने कहा कि अगर हम मर गया होता 2014 हम तो मर ही गया होता, भगवान पहुँचा देता, लेकिन वहाँ से खींच कर लाए हैं राष्ट्रीय जनता दल वालों ने, अब हम समर्पित है। आज यकीन मानिए 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भरने और खाने के लिए, पर 80% गांव-गांव, गली गली, चौक चौराहे जाता हूँ राष्ट्रीय जनता दल को विस्तार कराने के लिए और लालटेन को जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए। और मैं ये बता दूँ आपके माध्यम से सबको कि भाई
आदमी को जज्बाती होना बहुत जरूरी है। ज़िंदगी है तो मौत है, मौत है तो मरना है, अब मरना है तो मरने से पहले करना है कुछ ऐसा काम कि मरने के सदियों बाद तक हमारे आपके कर्तव्य चलते दोहराती रहे आप सबको, हम सबको नाम, क्योंकि आने का वही प्रक्रिया माँ का गर्भ, जाने को ही राम नाम सत्य, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, भगवान, ये सब क्या वही बात है जो हम हैं, उसी दशा है, उसी से चले गए। उनको याद करते हैं पूरी तिथि में, जन्म तिथि में क्यों याद करते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमको भी, हम गरीब, उसे क्या। तो विनय बिहारी को भी लोग याद करें ऐसा वो चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम गरीब हैं उसे क्या, लेकिन मेरे पास जज्बात तो है, जिद तो है, जुनून तो है, कुछ ऐसा करेंगे, आधा पेट खाएंगे, आधा पेट खाएंगे, और आधा पेट का जो बचा हुआ कमाई है जन कल्याण में लगाएंगे, तो लेकिन लगाएंगे। लालू यादव जी की तबीयत में सुधार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या दुआ है ऊपर वाले से? दुआ यही है, मैंने दुआ किया है पिछले 3 दिनों से, और मैं कहना चाहता हूँ जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और सच्चा सेवक और भक्त मिल जाते हैं तो बात खुदा से होती है। ये 3 दिन 4 दिनों में पूरी यह धरती के लोग लालू प्रसाद यादव के लिए बेचैन है, देख रहे हैं कि कुछ हो या नहीं हो, लालू प्रसाद यादव की सेहत होनी चाहिए, और ये दुआएं ऊपर चली गई, लालू यादव जी बिहार वापस आने, लॉ होलसेल में ऊपर चले गए सारे दुआएं परमात्मा के पास, परमात्मा ने मैसेज दिया लालू प्रसाद यादव के, लालू प्रसाद यादव जी हमको तो आपको जीवन में स्वास्थ्य देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से बहुत सारे होलसेल रूप में मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं झुक गया और मैं आपको तरफ स्वास्थ्य भेज रहा हूँ, तकलीफ दूर हो गई है, टहल भी रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, सुनने तो यहाँ आया है कि लालू जी कहते हैं कि हमको बतियाने का बहुत मन कर रहा है, अपनों से बतिया रहे हैं, आने वालों से प्यार से बतिया रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बतियाते ठीक है लेकिन थोड़ा सा संयम से रहिए, तो बात ऐसा है पूरी के पूरी आवेश में स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और दुआएं जा रही है, कोई चादर चढ़ा रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, हम तो भाई दो स्थापना दिन के जो पेड़ा हम बनवाया था 60 किलो, मैंने उसको पूजा करके प्रसादे बनाकर प्रसादे सबको बांट दिया। जी जी, तो लालू प्रसाद यादव के जो जबरा फैन हैं विनय बिहारी, इनका कहना है कि ये लालू प्रसाद यादव के लिए दुआएं कर रहे हैं, और ना सिर्फ विनय बिहारी बल्कि बिहार के वो लोग जिन्हें कभी जबान नहीं हुआ करती थी, जिनकी कभी आवाज़ नहीं निकला करती थी, लालू प्रसाद यादव वो नेता जिसने 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ क्या ली, हर उस बेजुबान में जबान आ गई जो कभी भीड़ में सबसे पीछे की सीट पर या कहें कि पंक्तियों में सबसे पीछे खड़ा हुआ करता था, हर उस व्यक्ति की आवाज़ बने लालू प्रसाद यादव, और पिछड़ी जाति हो, अल्पसंख्यक हो, या फिर दलित हो, या फिर कहा जाए कि दबा कुचला समाज का कोई भी व्यक्ति हो, लालू प्रसाद यादव हर उस इंसान की आवाज़ बने, और यही वजह है कि आज वो सारी आवाज़ एक होकर लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांग रही है, और शायद यही वजह है कि पटना में जब तक लालू प्रसाद यादव ऐसे दिख रहे थे, अब दिल्ली एम्स में जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है, वो मुस्कुराते हुए नज़र आए हैं, और लोगों की दुआ है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर उसी तरह वापस बिहार पहुँचें, बिहार की जनता उनका इस्तकबाल करेगी, उनका स्वागत करेगी, समय सब तय करेगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ विनय बिहारी जो लगातार लालू प्रसाद यादव के लिए कई तरह की कविताएँ कहते हैं, उन्हें फिर कभी सुनेंगे और भी सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।